हेलो दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 17वां मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा में भारत का 17वां मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर दो, 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष नीति निर्देश 4 SDP4 पर हस्ताक्षर किए, यह निर्देश क्या बनाने के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी अंतरिक्ष बल, ऑप्शन बी मंगल पर अमेरिकी पुनर्वास, ऑप्शन सी नाटो अंतरिक्ष सहयोग संस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिकी अंतरिक्ष बल बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष नीति 4 पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन ने 2030 तक नए ट्रकों और बसों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 30% से कम करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी अमेरिकी संघ, ऑप्शन डी सार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय संघ ने 2030 तक नए ट्रकों और बसों से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 30% से कम करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी बोर्ड समूह द्वारा लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑप्शन सी भारत फोर्स, ऑप्शन डी टाटा समूह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न नंबर पाँच, ग्लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी लियोन मेस्सी, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन डी टाइगर वुड्स। तो इसका जो राइट आंसर है नोवाक जोकोविक को 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित में से किसे ग्लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी एलेक्स मार्गन, ऑप्शन सी सिमोन बाइल्स, ऑप्शन डी नोआमी ओसाका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिमोन बाइल्स को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ को वर्ष 2019 का लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए राजस्थान बाल कल्याण समिति, ऑप्शन बी पुरकल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी, ऑप्शन सी स्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन डी युवा। तो इसका जो राइट आंसर है युवा। प्रश्न नंबर आठ, हाल ही में किस रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी ने एयरो इंडिया 2019 में F-21 लड़ाकू विमान के संशोधित रूप को पेश किया गया है? ऑप्शन ए डसाल्ट, ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी एल्बम डिक्री, ऑप्शन डी वार हेडर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन ने। प्रश्न नंबर नौ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर स्थित हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 10, किस नवरत्न कंपनी द्वारा देश में बनाया गया एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर WUG वायुमंडल की नमी से पानी बना सकता है? ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ऑप्शन सी गेल इंडिया लिमिटेड गेल, ऑप्शन डी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल ने नया एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग धातु प्रतिशत प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है? ऑप्शन ए 4 करोड़, ऑप्शन बी 6 करोड़, ऑप्शन सी 8 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 करोड़ लोग धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। प्रश्न नंबर 12, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBH ने एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल आरंभ किया है? ऑप्शन ए स्कोप, ऑप्शन बी होप, ऑप्शन सी ईसा, ऑप्शन डी रोर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होप। प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम से कम लोगों का इस्तेमाल कर कुंभ और हज जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजन में भगदड़ रोकने के में मदद करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया है? तो ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने जो ये एल्गोरिदम बनाया है। प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर असम राइफल को पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और किस राज्य में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या किसी भी तलाशी लेने का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसमें जो एक और राज्य है ऑप्शन बी मिजोरम है। मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या किसी की भी तलाशी लेने का अधिकार दिया है। प्रश्न नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियम 1955 के नियम 5A को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए पंजाब सिविल सेवा, ऑप्शन बी राजस्थान सिविल सेवा, ऑप्शन सी बिहार सिविल सेवा, ऑप्शन डी हरियाणा सिविल सेवा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार सिविल सेवा के जो भर्ती नियम 1955 के नियम 5A को रद्द कर दिया है। प्रश्न नंबर 16, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 21 फरवरी 2019 को अपने अंशधारक को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं पीएफ पर कितने प्रतिशत ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की है? ऑप्शन ए 0.20%, ऑप्शन बी 0.30%, ऑप्शन सी 0.40%, ऑप्शन डी 0.10%। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 0.10% ब्याज बढ़ोतरी बढ़ाने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है और यह पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन से भारतीय बन गए हैं? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार पर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।